हेलो भाई, मावंगित बजाज का भले ही इंडिया में क्रेज ना हो, लेकिन विदेश में अच्छा खासा लोग बाग पसंद करते हैं भाई। नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ना, वैसे पसंद करते हैं। आज अपन 6 उन कंपनियों के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा अपने टू-व्हीलर को विदेश भेजा है बेचने के लिए। ये कंपनियाँ टू-व्हीलर बनाती तो इंडिया में ही है, यानी मैन्युफैक्चर तो इंडिया में ही होता है, लेकिन अदर कंट्री के डिमांड के अनुसार एक्सपोर्ट करती है, यानी भेजती है जहाज से या फिर ट्रेन से, मतलब जो भी सुविधा अवेलेबल रहता है उससे भेज देती है। तो वीडियो में तो भाई मजा भरपूर आने वाला है, फुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो 6th नंबर पे आइए सेल्स के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में हरदम आती है भाई रॉयल एनफील्ड। अक्टूबर के महीने में इन्होंने 5,707 गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा है पूरे विदेश भर में। सितंबर की बात करती हो 8,451 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हुई थी। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 2744 गाड़ियाँ कम एक्सपोर्ट हुई है भाई रॉयल एनफील्ड की। परसों रोज हमने देखा था भाई, इंडिया में भी इनका सेल्स फिगर गिरावट था दीपावली के महीने में, और एक्सपोर्ट में भी वही हाल है। इनके सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, आप नहीं मानोगे, हंटर है जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, इसके अलावा आपकी कॉन्टिनेंटल जीटी 650 है, इसके अलावा हिमालयन है, स्क्रैम भी है, लेकिन क्लासिक वगैरह उतना पसंद नहीं करते लोग बाग विदेश में। सबसे ज्यादा तो कॉन्टिनेंटल को पसंद करते और हिमालयन को, कुछ भी कहो भाई। 5th नंबर पे आई है हीरो मोटोकॉर्प। आप थोड़ा सा शौक हो गए होगे भाई, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प आप हरदम सुने होंगे कि फर्स्ट पोजिशन पे आती है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में इनका कुछ नहीं है भाई, हरदम 5th पे 4th पे 6th पे ऐसे आती है भाई। अक्टूबर के महीने में इन्होंने 11,757 गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा है पूरे विदेश भर में। सितंबर की बात करते हो तो 12,220 गाड़ी एक्सपोर्ट हुई थी। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 533 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है भाई हीरो मोटोकॉर्प की। इनकी तो भाई अचीवर, हंक, पता नहीं क्या क्या मॉडल का नाम है, वही ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। ये स्प्लेंडर वगैरह को लोग बाग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी। इसके अलावा बात करें 4th नंबर पे आने वाली कंपनी की, तो वो है भाई आपकी और हमारी बेकार सी कंपनी सुजुकी। इनके पास तो ऑप्शन कुछ नहीं है भाई, लेकिन अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने के मामले में रखे हैं हयाते, मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट है यार एक्सपोर्ट करने के लिए। अक्टूबर के महीने में इन्होंने 18,225 गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा है पूरे विदेश भर में। हयाबूसा भी एक्सपोर्ट होती है विदेश में। सितंबर की बात करते हो तो 14,738 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हुई थी। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 3,487 गाड़ियाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है भाई सुजुकी की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंडियन मार्केट में तो भाई इनका सेल्स फिगर गिरावट में ही हरदम रहता है, मतलब कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट में भी इन्होंने इस महीने तो आग लगा रखा है। 3487 गाड़ियाँ ज़्यादा, मतलब बहुत ही इन्होंने अच्छा खासा कमी नहीं करा है भाई अक्टूबर के महीने में। खैर आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर पे आइए होंडा। सेल्स के मामले में तो होंडा हरदम 2nd नंबर पे आती है, लेकिन एक्सपोर्ट में 3rd पे 4th पे ऐसे आती है। अक्टूबर में इन्होंने 23,422 गाड़ियों को विदेश भेजा है बेचने के लिए। सितंबर की बात करते हो तो 29,635 गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई थी। लगभग 6,213 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है भाई होंडा की। इनका भी भाई सबसे ज्यादा नवी वगैरह या फिर और भी आता था एक दो गाड़ी, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वही सब ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, मतलब एसपी वगैरह साइन वगैरह उतना पसंद नहीं करते लोग बाग विदेश में। भले इंडिया में तो भाई अलग लेवल पे आजकल मार हो रखा है साइन पे। आगे बढ़ते हैं, 2nd नंबर पे आई है TVS। अक्टूबर के महीने में इन्होंने 68,696 गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा है विदेश भर में। सितंबर की बात करते हो तो 77,851 गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई थी। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 9,155 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है भाई TVS की। सेल्स में भी वही हाल है इनका, और एक्सपोर्ट में भी वही हाल है। TVS की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ी के बारे में मैं बताऊं, आप शौक हो जाओगे पक्का एकदम, स्टार सिटी प्लस 125। अब आप बोलोगे ये कौन सी गाड़ी है भाई, इंडियन मार्केट में 110 सीसी के साथ आती है। भले ही भाई इंडिया में 110 सीसी इंजन के साथ बेचते हैं, लेकिन विदेश में 125 सीसी इंजन के साथ भी बिकती है। इसके अलावा 110 सीसी इंजन के साथ भी बिकती है, जो अपने पे मॉडल चलता है ना वही वाला विदेश में भी जाता है, और 125 सीसी अलग से जाता है भाई। जैसे अपने पे प्लेटिना का ऑप्शन नहीं है 100 सीसी वाला लो, 110 सीसी वाला लो, ऐसा ही सीन है भाई इसमें भी, मतलब वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है विदेश में। खैर 1st पोजीशन पे आई है बजाज। आप नहीं यकीन करोगे भाई, अक्टूबर के महीने में इन्होंने एकदम आग लगा रखा है, 1,35,772 गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई है। वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया। सितंबर की बात करते हो तो 1,25,443 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। लगभग 10,329 गाड़ियां ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है भाई बजाज की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे हमने देखा बजाज और सुजुकी ने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है, बाकी सारी कंपनियों का तो गिरावटी है। पता है मैं ये वाला वीडियो क्यों बनाया था, मतलब थोड़ा देखना चाहिए यार विदेश में भी कौन सी कंपनी ज़्यादा बेच रही अपनी गाड़ियों को। थोड़ा जनरल नॉलेज आप सभी का भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इसके अलावा मेरा भी थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी ने 6 उन कंपनियों के बारे में जान लिया जिन्होंने अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा अपने टू-व्हीलर को विदेश भेजा है बेचने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।